हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स के बारे में। सो हम हमेशा पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट के पास तीन तरह की इमरजेंसी पावर्स होती हैं, बट इमरजेंसी पावर होती क्या है? देखिए, देश में कुछ भी हो जाता है, अगर वॉर हो जाती है या हमारे सरकार के पास पैसे नहीं रहते, कुछ भी हो जाता है, कोई भी उल्टी सीधी बात हो जाती है, तो प्रेसिडेंट उस केस में इमरजेंसी लगा सकता है और पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। कैसे, वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम हमेशा ही पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के पास तीन इमरजेंसी पावर्स होती हैं, उनके नाम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेशनल इमरजेंसी, देन प्रेसिडेंट्स रूल, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब आर्टिकल्स का भी पता होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी आता है अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आता है अंडर आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है अंडर आर्टिकल 360। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट हमारा है नेशनल इमरजेंसी, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल हमने पढ़ लिया। अब नेशनल इमरजेंसी तीन केसेस में लग सकती है, हमेशा याद रखना है। वो तीन केसेस कौन कौन से हैं? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। वॉर क्या होती है? युद्ध, किसी के साथ लड़ाई हो गई इंडिया की, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी ने इंडिया पे इन्वेजन कर दिया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। आर्म्ड रिबेलियन, देश में कुछ दंगा फसाद हो गया जो कि बहुत क्रिटिकल है, खतरनाक चीज़ हो गई, ठीक है, आर्म्ड होता है हथियारों वाला कुछ, ऐसा कुछ हो गया, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाहर की वजह से जो लगी है, और आर्म्ड रिबेलियन की वजह से जो लगती है उसे कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी, यानी देश के अंदर कुछ गड़बड़ हुई तो ये इमरजेंसी लगी है। ठीक है, अब देखिए, बहुत पहले यहाँ पे हम आर्म्ड रिबेलियन यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, हम क्या यूज़ करते थे? हम यूज़ करते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को, राइट, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हम यूज़ करते थे। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1978 में, जिसके बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को यूज़ किया गया। राइट, अब अगर हम इसके बाद बात करें कि हम एक बार अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो वो कितने टाइम तक टिकी रहती है, वो देखते हैं। अप्रूवल 6 months कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इनडेफिनेट पीरियड, हम उसको इनडेफिनेट पीरियड तक लगा सकते हैं, पर हर 6 महीने के बाद हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जैन में लगा, जैन के बाद 6 months जून में कंप्लीट होते हैं, तो हमें फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा और वो फिर से लग जाएगी इमरजेंसी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। राइट, तो ये हमने पढ़ लिया नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, आर्टिकल 356 के अंडर आता है, फेमस है ये प्रेसिडेंट रूल से ही। ड्यू टू फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, क्या होता है जब स्टेट में सरकार फेल हो जाती है ना, सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अच्छे से नहीं चल पाती है, तो उस केस में हमारा लगता है प्रेसिडेंट्स रूल। इसे कहते हैं आर्टिकल विद डेड लेटर, आर्टिकल विद डेड लेटर। इसी के साथ आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देती हूँ, जो हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल 32, जिसे हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है बाय बी आर अम्बेडकर, जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बताया है, ठीक है, वो आर्टिकल जो है उसे कहते हैं आर्टिकल विद रेड लेटर, यानी आर्टिकल नंबर 32 को कहते हैं आर्टिकल विद रेड लेटर, और आर्टिकल नंबर 356 को कहते हैं आर्टिकल विद डेड लेटर। ये क्वेश्चन भी आता है, फिर हम रेड और डेड में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नाउ इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सियल आर्टिकल है। अब अगर हमें प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करना है, कैसे करेंगे? कम से कम नहीं, हमें ऐसा कह सकते हैं कि मिनिमम 6 months के लिए लग जाता है, ठीक है, बंद तो उसको वो 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, बट वैसे हम कहते हैं कि इसे हम एक टाइम पे 6 महीने के लिए लगा सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल के लिए लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रेसिडेंट्स रूल आप कहीं नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके बारे में देखते हैं, मैं पहले आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 360 के अंडर लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। होती क्या है? इट इज़ अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया में अगर फाइनेंशियल लेवल पे इंस्टेबिलिटी आ गई है, पैसा नहीं रहा है, पैसे का हमें थोड़ा डर भुगतना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस, इसमें जो सैलरी एंड अलाउंसेस हो सकते हैं लोगों के, वो कट सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो सेंटर का कंट्रोल है, सेंटर की पावर है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है,
अब देखिए हम बात करेंगे कौन सी इमरजेंसी आज तक कितनी बार लगी है। तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी तो कभी इम्पोज ही नहीं हुई है। प्रेजिडेंट रूल आपका पंजाब में लगा है और भी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में लगा है, बट जो मेन चीज़ है जो हम पढ़ते हैं वो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में कि नेशनल इमरजेंसी कब कब और कहाँ कहाँ लगी है। तो मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है, एक्सप्लेन बेशक मैं आपको सारा कर दूंगी। आज तक नेशनल इमरजेंसी टोटल 3 बार लग चुकी है, ठीक है। सबसे पहले जो नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुई थी वो हुई थी 1962 में। 1962 को हुई थी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था, चाइना वालों ने इंडिया पे हमला कर दिया था, इसलिए इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी थी। सेकेंड लगी थी 1971 में। क्यों लगी थी? क्योंकि इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, और अगर आपको पता हो जो आज की डेट में बांग्लादेश है उसे पहले ईस्ट बंगाल के नाम से जानते थे और वो पाकिस्तान का पार्ट था, बट बाद में फिर पाकिस्तानी जो थे उनका बिहेवियर ईस्ट बंगाल वालों के साथ अच्छा नहीं था, फिर उन्होंने रिवोल्ट किया, काफ़ी कुछ हुआ, हम ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से लड़े और फिर उसे बाद में स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम मिली पाकिस्तान से, और उसका नाम चेंज किया गया बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सारी कहानी 1971 में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश या फिर आप कह लीजिए ईस्ट बंगाल का साथ दिया था। थर्ड इमरजेंसी की बात करें तो वो 1975 में लगी थी। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी, कुछ सिख राइट्स, सिखों के कुछ विद्रोह टाइप हुआ था पंजाब में, तो लगी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जो है वो कुछ मिसयूज़ कर रही थी इस चीज़ का, इंटरनल डिस्टर्बेंस का। तो इसलिए क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ बढ़ गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस। यहाँ हमने पढ़ा ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे बहुत बार जो है एमरजेंसीज लगनी स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए इसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें पार्डनिंग पावर्स भी कंप्लीट करनी है, यानी कि हम कहते हैं ना वो जो माफ़ करने वाली पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, एंड वीटो पावर्स भी कंप्लीट एक तरह से कवर करनी है। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।